नमस्कार। जहां एक तरफ हम पंजाब के फॉर्म ऑलरेडी भर रहे हैं, तो वहीं पर एक न्यूज़ आई है और कल ही कल में बेसिकली पंजाब में एक और गवर्नमेंट कॉलेज जुड़ गया है। जी हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि मोहाली में है, 100 इनटेक के साथ ये इसी साल ऐड हो गया है। विच मीन्स कि अब जो पंजाब में सरकारी सीटें थी, जो कि पहले टोटल 600 थी, अदर देन दी एम्स बठिंडा, जो कि हम जानते ही थे कि अमृतसर, फरीदकोट और पटियाला में थी, अब उसी को एक ऐड करके मोहाली में 100 सीट का कॉलेज स्टार्ट हो गया है अंबेडकर के नाम से। जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये ऑप्शन भी हमको नज़र आ जाएगी। और इसके मायने देखिए वही कि पंजाब में तो डेफिनेटली 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटें हटेंगी भी, तो भी 85 सीटें एक्स्ट्रा पंजाब के रेजिडेंट्स को मिलेगी। जो हम प्राइवेट कट ऑफ की बात भी करते हैं, बार बार लोग पूछते हैं, और हम जानते हैं कि पंजाब में वो 3.5 लाख और 9.5 लाख वाली फीस के जो ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए भी अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि कट ऑफ 10 से 15 नंबर गिर सकती है कम से कम, और शायद ज़्यादा भी, क्योंकि एक तरह से 85 सीटें पंजाब वालों को एक्स्ट्रा मिल गई हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक मेरे पंजाब के दोस्तों, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, कि उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज की ऑप्शन और आ गई है। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जो आपने फॉर्म भरा है बस सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो आपको वो ऑप्शन भी नज़र आएगी बेसिकली इस कॉलेज की। सो अभी आप ये मत सोचिएगा कि भाई कुछ चेंज करना है प्रोसेस, कुछ फॉर्म दोबारा भरना है, रजिस्ट्रेशन दोबारा भरना है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये तो होता रहता है। लास्ट ईयर जब एमसीएससी कोर्सेज स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद कुछ कॉलेज ऐड हुए थे और फिर वो बस ऑप्शंस में आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो सिमिलरली जब भी पंजाब की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, जो कि बहुत जल्दी नहीं होने वाली है, वो मैंने दूसरे वीडियो में लॉजिक कई बार दे चुका हूँ, तो बैठिए आराम से। बस गुड न्यूज़ ये है कि जो पंजाब के लोग हैं, कि आपके पास एक ऑप्शन और आ गई है। विच मीन्स कि जो प्राइवेट कॉलेज के भी बच्चे हैं, जो 500 525 की रेंज के बच्चे होते हैं नीट स्कोर, उनके लिए उम्मीद जग गई है। कि जो बेसिकली पंजाब में हम कह सकते हैं सभी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे वो दयानंद मेडिकल कॉलेज हो, ज्ञान सागर हो, या जो माइनॉरिटी कॉलेज है, या पिम्स हो गया, इन सब में आपके आने के चांसेस थोड़े और बढ़ गए। सो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।